ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जनसुनवाई कर रहे हैं और जनसुनवाई के बाद हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव से बातचीत खास ही जो आपको सुना रहे हैं। 25 सांसद है, कोई दूसरे जिले में आप पता लगाओ। ये लोग बाग केवल एक बार काट के आंटी चढ़ती, इनकी दो बार चढ़ गई, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, ये कह के गए अरुण सिंह। मोदी जी का क्या चेहरा है बताइए, मोदी जी ने कर क्या दिया 7 साल में? किस बेरोजगार को नौकरी दी है? पेट्रोल डीजल महंगाई किस तरीके से हो गई है? मोदी जी को बताइए तो सही, किसानों के लिए क्या कर दिया? अडानी अंबानी के लिए कानून ले आए, किसान आज परेशान है। ये सब लोगों इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए कि राजस्थान की सरकार ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। इनकी कोई समस्या रहेगी तो उसको हम सुन रहे हैं, कोई बीजेपी का नेता सुन रहा है क्या? कैलाश चौधरी कृषि मंत्री है, देखा अभी कभी कोई कृषि की बात करते, कोई किसान की बात करते? लेकिन फिर भी ये बात क्यों आ जाती है कि सब दलितों की सुनवाई कम हो रही है, ऐसी कोई बात आ जाती है? नहीं कह रहा, सबकी सुनवाई हो रही है, शानदार तरीके से हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। ट्विटर वॉर जो शुरू हुआ है क्या है? तो ट्विटर में, ट्विटर पे लगातार बीजेपी के लोग जो है वो सरकार पर निशाना साधे। बीजेपी के लोगों के तो ट्विटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ करेंगे। वो जो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो उनको ब्लॉक कर देंगे, ये होने वाला। मतलब क्योंकि भाजपा को आलोचना पसंद नहीं है? भाजपा को कतई आलोचना पसंद नहीं है, भाजपा को कभी जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को लड़ा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। झूठ बोल के आरएसएस की जो पाठशाला लगती है उसमें झूठ सिखाया जाता है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे, और इसी के आधार के ऊपर कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में घपला देखा, 2 करोड़ के 18 करोड़ कितने हो गए पता नहीं, कितने हो गए। ये वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। दुगुनी आय कहाँ गई किसान की? दुगुनी आय, 1 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल यानी 14 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए। आप बताइए एसएसए में कितनी नौकरियां निकली, बैंक में कितनी निकली, रेलवे में कितनी निकली? एक व्यक्ति को नौकरी दिया, इनमें से कोई एक केंद्र में नौकरी पा गया हो तो बताइए। अब मौका आ गया, आपको भी साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया देने लग गई है, और नेशनल जो मीडिया है, स्टेट का तो देता है, नेशनल मीडिया है उसको भी हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, सही छापिए। अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा छापिए, कौन मना कर रहा है? कैबिनेट कांग्रेस एकजुट है, 100% कैबिनेट को लेकर फेरबदल की बात थी या विस्तार की बात थी, उसको किस तरह से देखा? वो तो आला कमान हो, मुख्यमंत्री जी का विषय होते रहे, सतत प्रक्रिया है, होते रहेंगे, होंगे। मोदी जी 10 दिन से 15 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कौन से नेता को हटाऊं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के आऊं मंत्रिमंडल। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत। इस ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जनसुनवाई के बाद क्या कुछ अहम मुद्दे जिन पर उन्होंने अपनी बात रखी। साफ तौर पर केंद्र सरकार पर वो हमलावर नजर आए, तो वही राम मंदिर घोटाले के आरोपों का जो मुद्दा है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वही महंगाई का मुद्दा भी उठाया, तो वही बात की जाए ट्विटर वॉर की तो उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।